आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से जानकारी है, आज खुले हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बाबा केदार धाम के कपाट जो है वो खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए भारी भीड़ पहले ही दिन देखने को मिली है। 8000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। मंदिर को 20 कुंटल फूलों से सजाया गया है। एक बार आपको दृश्य भी वहां का हम दिखाएंगे। आपको बता दें कि लगभग 20,000 कुंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है मंदिर को सजाने के लिए। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल चुके हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत, तस्वीरें आपके सामने। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ही भगवान केदारनाथ धाम के जो कपाट है वो यहां पर खोल दिए गए हैं। भगवान भोलेनाथ के सभी लोग दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। लगभग 8,000 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो बाबा केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। और मंदिर को 20 कुंटल फूलों से सजाया गया है। बर्फबारी भी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बीच भी जो श्रद्धा है उसका असर बर्फबारी पर बिल्कुल ज्यादा होता हुआ नजर आया। यानी कि बर्फबारी होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। जो रीति रिवाज होते हैं उन रीति रिवाज के अनुसार ही इस मंदिर के कपाट को खोले गए हैं। भव्य और दिव्य मंदिर है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इन कपाटों को खोला गया है। 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही दिन दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए जा रहे हैं। मंदिर को 20,000 कुंटल फूलों से सजाया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर की जो भव्यता है वो किस तरीके से देखने को मिल रही होगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं जो पूजा पाठ यहां पर कर रहे हैं। रीति रिवाज और विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ इस मंदिर के कपाट को खोले गए हैं। जितने भी रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार ही, परंपरा के अनुसार ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। अब चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 25 तारीख है, आज से सबसे पहले धाम के कपाट खुल चुके हैं। अब आपको बताने की श्रद्धालुओं को जो आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रथम दर्शन के लिए भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में धाम को खोल दिया गया है। एक बार फिर से आप देखिए तस्वीरों को, मनमोहक तस्वीरें हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही दिन पहुंचे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है, क्योंकि देखिए बर्फबारी भी हुई है। ऐसे में लोगों के लिए कैंप भी यहाँ पर लगाया गया, यानी कि मेडिकल कैंप का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। किसी भी शख्स की अगर तबीयत खराब होती है, क्योंकि देखिए काफी ठंडा एरिया है, ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके बावजूद उसको तुरंत राहत दी जा सके, इसके लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था है। सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस बल, आर्मी के जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि एक सीमित संख्या के अनुसार ही लोगों को ऊपर भेजने की अनुमति है। ऐसे में लगभग 8,000 श्रद्धालु आज पहुँचेंगे और अब जो ये धाम लगातार खुले रहेंगे। तो बता दें कि आज से खुल गए हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट।